हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपनी नई वीडियो के साथ जो है ब्रह्मास्त्र के बारे में। ब्रह्मास्त्र की जो अपडेट है, जितना भी कलेक्शन किया उसने, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे जितना भी पूरा फर्स्ट वीक का कलेक्शन है उसकी मैं डिटेल्स दूंगा आज कि कितना कलेक्ट किया ब्रह्मास्त्र ने। फ्राइडे को ओपनिंग डे पे ब्रह्मास्त्र ने कमाया 37 करोड़ 50 लाख, सैटरडे को कमाया 42 करोड़ 50 लाख, संडे को कमाया 45 करोड़, मंडे को कमाया 16 करोड़ 40 लाख, ट्यूसडे को 12 करोड़ 50 लाख, वेनेसडे को 10 करोड़ 50 लाख, थर्सडे को 9 करोड़, और फिर ये पिकअप करता है फ्राइडे को 9 करोड़ 50 लाख ये फ्राइडे को कमाता है। सैटरडे को इसने कमाए हैं 15 करोड़। तो उसका जो जंप है, इसने बहुत बेहतरीन जंप लिया है। लगभग इसका जो जंप है वो डबल है, 9 करोड़ का 18 करोड़ आने वाला है संडे को। मतलब कि जो आज का दिन है संडे, तो इसने फ्राइडे को कमाया 9 करोड़ 50 लाख, आज ही फिल्म कहीं ना कहीं 18 से 20 करोड़ रुपए कलेक्ट करेगी। इसका जो टोटल कलेक्शन हुआ है वो हुआ है 198 करोड़ रुपए, और जो इसका इंडिया ग्रॉस है उसका हुआ है 234 करोड़, और वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने 331 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। ये सिर्फ 10 करोड़ रुपए पीछे है कश्मीर फाइल से, जो इस साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी है वर्ल्ड वाइड में। उसका कलेक्शन है 341 करोड़, और जो ब्रह्मास्त्र है उसने 331 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। तो आज के दिन ये फिल्म उसका रिकॉर्ड तोड़ देगी और इस साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग ऑफ द ईयर मूवी बन जाएगी ब्रह्मास्त्र, जो कि हमने सोचा था कि ये होने वाला है और वही हुआ। तो ब्रह्मास्त्र ने बहुत से रिकॉर्ड तोड़े, बहुत से नए रिकॉर्ड बनाए हैं। और सिर्फ हिंदी की बात करें तो इस फिल्म ने 171 करोड़ रुपये कमाए हैं सिर्फ हिंदी में, और सारी लैंग्वेज की बात करें तो इस फिल्म ने 199 करोड़ लगभग कमा लिए हैं। तो ये फिल्म एक तरीके से हिट मानी जा सकती है। इसका बजट जो है वो 410 करोड़ रुपए है, 410 करोड़ रुपए इसका बजट है। वर्ल्ड वाइड इस फिल्म 331 कमा लिए हैं। आज के दिन ही 18-20 करोड़ सिर्फ इंडिया में कमाएगी, और वर्ल्ड वाइड मिला के लगभग ये 360 करोड़ पार कर देगी। तो जो कश्मीर फाइल्स है, कश्मीर फाइल्स का इंडिया में जो कलेक्शन है वो है 247 करोड़। तो जो आज ये ब्रह्मास्त्र है ये 199 करोड़ पर खड़ी है, और आज का कलेक्शन मिला के लगभग 215 से 220 करोड़ ये आज के दिन ही कमा देगी। और जो विक्रम वेदा है वो 30 तारीख को आने वाली जो बड़े बजट की मूवी है जो इस फिल्म को रोक सकती है ब्रह्मास्त्र कलेक्ट करने से, तो उसको आने में भी 10 से 12 दिन है। तो ब्रह्मास्त्र 10 से 12 दिन में 50 करोड़ कमा लेगी आराम से, और ये फिल्म इस साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन जाएगी इंडिया में। हालांकि ये वर्ल्ड वाइड में बन चुकी है, आज के दिन बन जाएगी हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी, क्योंकि जो कश्मीर फाइल्स है उसका कलेक्शन 341 करोड़ वर्ल्ड वाइड था और उसका 331 करोड़ हो चुका है। आज के दिन 30 करोड़ कमा के 360 करेगी हिंदी में, तो 215 से 220 करोड़ करेगी, और 8 से 10 दिन के अंदर ये इंडिया की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन जाएगी सन 2022 की। कोरोना के बाद किसी भी फिल्म ने 300-400-500 करोड़ रुपये नहीं कमाए हैं। कोरोना से पहले बहुत से मूवीज़ ने 300-400-500 करोड़ रुपये कमाए थे, पर कोरोना के बाद ब्रह्मास्त्र पहली फिल्म होगी जो 400 करोड़ रुपये कमाएगी। 400 करोड़ तो ये डेफिनेटली कमाएगी, पर देखना होगा कि ये फिल्म 500 करोड़ रुपए कमाती है या नहीं। अभी ये फिल्म 360 करोड़ आज कर लेगी और 400 करोड़ ही अगले 5-6 दिन में ये 400 करोड़ पहुंच जाएगी। बाकी के जो 100 करोड़ होंगे वो देखने वाली बात होगी कि कैसे कमाती है और कब तक कमाती है। विक्रम वेदा अगर नहीं होती तो शायद ये लंबा रन लेती, पर विक्रम वेदा 30 तारीख को आएगी और इस फिल्म का कलेक्शन कहीं ना कहीं रोक देगी। स्क्रीन डिवाइड हो जाएंगी, और चुप मूवी आ रही है सनी देओल की, वो भी कुछ स्क्रीन्स लेके जाएगी। तो ये देखने वाली जंग होगी कि ये फिल्म कितना कलेक्ट करती है। पर ये बॉलीवुड के लिए बहुत बेहतरीन बात है कि ब्रह्मास्त्र ने इतना अच्छा कलेक्ट किया है। 410 करोड़ में ये मूवी बनी है वर्ल्ड वाइड, 410 करोड़ रुपए आराम से कमा लेगी और इसको हिट टैग मिल जाएगा। एक साइट पे दिया है बॉलीवुड रिव्यूज़ की कि ये फिल्म 410 करोड़ पे हिट दे दी जाएगी। अगर ये वर्ल्ड वाइड 400-500 करोड़ कमाती तो ये फिल्म एक क्लियर हिट बोली जाएगी। इंडिया में ये फिल्म मुझे लगता है कि 270 से 280 करोड़ रुपए कमा लेगी, जो कि ये बहुत बड़ी बात है आज की सिचुएशन में, कि इंडिया में 270-280 करोड़ कमाना भी बहुत बड़ी बात है कोरोना के बाद और ये बॉयकॉट गैंग के बाद। पर बॉयकॉट गैंग का जो मुंह है वो बंद हो चुका है इस फिल्म के कलेक्शन के बाद, कोई भी बात नहीं कर रहा है ब्रह्मास्त्र के कलेक्शन को लेके। हर कोई ये बोल रहा है कि स्टोरी बेकार है, ऐसा दिखाया है, साउथ की मूवी बेटर होती है, हॉलीवुड की बेटर होती है, और उन पर कलेक्शन का कोई जवाब नहीं है। कलेक्शन बहुत बेहतरीन हो रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं ब्रह्मास्त्र। मैंने सेकंड टाइम देखी, मैं आपको बताना भूल गया कि मैंने परसों ब्रह्मास्त्र सेकंड टाइम देखी, और सेकंड टाइम ये मूवी मुझे और भी ज़्यादा बेहतरीन लगी। तो ब्रह्मास्त्र देखने वाली मूवी है, इंडिया को नए लेवल पे ले जाएगी। और जो उसमें एक न्यूज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, न्यूज़ क्रैक करना चाहूँगा, कि जो देव का कैरेक्टर है ब्रह्मास्त्र में, देव का, वो साफ साफ नज़र आता है कि वो कहीं ना कहीं रणवीर सिंह है, और
जो उनकी स्टोरी दिखाई गई है देव की और अमृत्या की, जो कि दीपिका पादुकोण है स्क्रीन में देखा मैंने, तो दीपिका ही थी जिनकी बातें जो रणबीर कपूर की माँ का रोल निभा रही है। तो अमृता और देव की स्टोरी सेकंड पार्ट में आने वाली है, जो कि रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पे है। अब मुझे ये नहीं पता कि उसमें रणबीर कपूर और आलिया भट्ट होंगे या नहीं, पर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण डेफिनेटली सेकंड पार्ट में होने वाले हैं, जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र पार्ट टू देव। तो बहुत एक्साइटमेंट होगी रणवीर सिंह को देखने के लिए और दीपिका को साथ में देखने के लिए। इतना बेहतरीन जो देव का ऑरा दिखाया गया है, इस तरीके से देव को प्रेजेंट किया गया है, हर किसी को जानना है कि देव कौन है, क्या है, उसकी कहानी क्या है। तो अमृता और देव की कहानी बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाई जाएगी। और मुझे लगता है कि जैसे एन मुखर्जी ने फीडबैक लिए हैं, हर चीज़ जानी है, जो कमियां हैं वो देखी होंगी, तो सेकंड पार्ट ब्रह्मास्त्र के पार्ट फर्स्ट पार्ट से बहुत बेहतरीन होने वाला, क्योंकि उन्होंने सब देख लिया कि लोगों को क्या पसंद आया, क्या पसंद नहीं आया, उन्होंने सारा फीडबैक लिया। और जो वो सेकंड पार्ट बनाएंगे तो वो पहले पार्ट की कमियां देख के बनाएंगे कि उसमें क्या कमियां थी, उसको मद्देनज़र रखते हुए वो सेकंड पार्ट बनाएंगे, और सेकंड पार्ट ब्रह्मास्त्र का पहले पार्ट से ज़्यादा बेहतरीन होगा, मुझे ऐसा लगता है। और मुझे इंतज़ार है ब्रह्मास्त्र का सेकंड पार्ट देखने के लिए, और सबको इंतज़ार रहेगा ब्रह्मास्त्र जब टीवी पर आएगी, लोगों का एक्साइटमेंट बढ़ेगी। जैसे KGF का सेकंड पार्ट की एक्साइटमेंट बढ़ी थी, बाहुबली की बढ़ी थी, वैसे ही इसके सेकंड पार्ट की भी एक्साइटमेंट बढ़ जाएगी। और फिल्म तो अच्छा कर ही रही है, उनका बजट रिकवर हो गया है, सेकंड पार्ट फिर थर्ड पार्ट, तो ब्रह्मास्त्र तो अच्छे लेवल पर अगर बनती जाएगी तो लोग इसे ज़रूर देखेंगे। और अभी न्यूज़ आई है कि शायद आयन मुखर्जी बानर अस्त्र जो शाहरुख खान बने थे और जल अस्त्र जो दीपिका बनी है शायद, तो इनके ऊपर भी अलग से फिल्म बनाने वाले हैं, जैसे एवेंजर्स की मूवीज़ बनती है, कैप्टन अमेरिका और ये सब स्पाइडरमैन वगैरह, तो वैसे ही ये बानर अस्त्र, जल अस्त्र और ब्रह्मदेव, इन सब पे एक एक पार्ट बनाने वाले हैं। और ब्रह्मास्त्र का सेकेंड पार्ट चलेगा तो उस पर डिपेंड करेगा कि ब्रह्मास्त्र फर्स्ट पार्ट जैसे चला, सेकेंड पार्ट भी चले और हमें नए नए तरीके की मूवीज़ देखने को मिले। आयन मुखर्जी अच्छा प्रयास कर रहे हैं अपनी मूवीज़ में, और अलग अलग एक्टर भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि पहले पार्ट में बहुत सारे कैमियोज दिखे, नागार्जुन दिखे, अमिताभ बच्चन दिखे, शाहरुख खान दिखे, और कहीं ना कहीं दीपिका और रणवीर सिंह भी लगे मुझे वो कि वही हैं। और तो सेकंड पार्ट में भी हमें बहुत से कैमियोज और बहुत सारा कुछ देखने को मिलने वाला है ब्रह्मास्त्र में। फिल्म अच्छा क्रैक कर रही है, सिनेमा को नई हाइट मिली है, और अगले पार्ट का इंतज़ार रहेगा। कोई भी न्यू अपडेट आती किसी फिल्म के बारे में, कोई भी न्यूज़, कोई भी कलेक्शन, तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। मेरे चैनल पर बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि किस किस ने ब्रह्मास्त्र देख लिया और किस किस को कैसी लगी और किस किस को ब्रह्मास्त्र का सेकंड पार्ट का इंतज़ार है। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए टाटा।